वेलकम टू चैनल देसी खाना। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी और सिंपल चिकन कढ़ाई। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1.5 kg चिकन और ये 5 से 6 फ्रोजन मेरे पास टमाटर है, इनको मैंने इस तरह मोटा मोटा काट लिया है। और ये सिरका है, सिरका मैं अपने खाने में ज़रूर शामिल करती हूँ क्योंकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इससे हमारे खाना में बरकत आती है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा सिरका डाल के मिक्स कर लूँगी। ये 1 serving spoon होगा सिरका और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। एक खाने का चम्मच तेल, एक खाने का चम्मच ये बटर, सॉल्टेड बटर है, साथ ही टमाटर, लहसुन अदरक का 1 खाने का चम्मच तेल और हमारी चिकन। इसको हमने अब ढक देना है और इसको हमने दरमियानी आंच पर पकाना है। चलिए अभी ना इसकी ये फॉर्म आई है, अभी इसको मैंने छोड़ दूंगी इसको और, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल ड्राई करना है। ये देखिए कितना अच्छा ये सारा पानी इसका खुशक हो गया है, अब इसका ये जूस है। अच्छा अब आप दूसरी तरफ ये ड्राई मसाला है, 1 खाने का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया साबुत और 1 से 2 चम्मच ये मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं कि आपको कितनी तेज़ी चाहिए। और ये जो साबुत धनिया ये मेरा 1 खाने का चम्मच है, इनको मैं फ्राई पैन में भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इनको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में ले आऊँगी। ये देखिए कितना अच्छा ग्राइंड हो गया, इसी तरह हमने इसको करना है। और मैंने नमक हसबे जायका लिया है, पिसा हुआ पाउडर या आप अपने हिसाब से डाल लें, मैं इसमें ये सारा डालूंगी और नमक। इसको मिक्स करके अब हम दूसरे चूल्हे पे इसका बघार बनाएंगे। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और जब बनाएंगे तो मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कैसी लगी। ये जूलियन कटिंग में मेरे पास एक अदरक का छोटा टुकड़ा था और 3 से 4 मैंने हरी मिर्ची ली, ये भी मैंने जूलियन कटिंग कर ली। मैं इसमें देसी घी शामिल कर रही हूँ, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी भी ये रेसिपी। ये हमारा तेल काफ़ी गर्म हो गया, अब मैं इसमें आस्ता सा डालूंगी आराम से। अब हम इसको फ्राई करेंगे। ये आप तंदूरी नान के साथ खाएं, बहुत मजा आएगा। हल्का सा मैं इसको बस फ्राई करूंगी, तो मैं इसको डिश आउट करूंगी। ये मेरी चिकन कढ़ाई तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड में, और इसको ज़रूर बनाइएगा। और जब बनाएंगे तो मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।